माई चैनल टूडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द पोयम द स्नेक एमिली डिकिंसन, सो लेट स्टार्ट इन दिस पोएम एक स्नेक के बारे में डिस्क्राइब की गई है जिसमें कि जो गर्ल है वो बता रही है उसके अपेयरेंस के बारे में अ नेरो फेलो इन द ग्रासजनली राइट यू मे हैव मैट हिम डिड यू नॉट हिज नोटिस लड़की बताती है कि एक छोटा सा जीव जो कई बार घास में से चलता हुआ दिखाई देता है यू मे हैव मेट हिम क्या तुम उससे मिल चुके हो डिड यू नॉट और फिर या नहीं मिले हिज नॉट इज सडन इज उसकी जो अपीयरेंस है वो अचानक हमारे सामने आ जाती है इट मीनस वो अचानक ही हमारे सामने दिखाई देता है द ग्रास डिवाइड्स एज विद द कॉम अ स्पोर्टेड शाफ्ट इज सीन एंड देन इट क्लोजेज आट योर फीट एंड ओपन फर्दर ऑन वो कहते हैं कि जब ये घास में से चलता हुआ दिखाई देता है तो ये कैसा लगता है जैसे कि उसने घास को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और ये एक पाइप की तरह जिसके ऊपर धब्बे धब्बे होते हैं वैसा दिखाई देता है स्पोर्ट्स सेंस के ऊपर एंड देन इट क्लोजेस जब वो हमारे पैरों के पास आता है तो एक बार पास आकर वो फिर से क्या है वो पीछे चला जाता है ही लाइक्स बोगी एकर उसको दलदजी ज़मीन बहुत पसंद है बहुत ठंडी ज़मीन पसंद है अ फ्लोर टू कूल फॉर कॉर्न जहाँ पर अनाज उगाया जाता है येट वेन अ चाइल्ड एंड बेयर फूड आई मोर देन वंस एट मॉर्निंग जब मैं सुबह के समय अब वो लड़की अपने बारे में बता रही है कि जब वो सुबह के समय सैर पर जाती थी तो उसे क्या दिखाई देता था नंगे पैर चलते हुए उसे वो उसको कई बार देखा करती थी हैव पास आई थोट अफ प्लैश अन्ब्रेडिंग इन द सन अब जब उसे कई बार घास पर चलते चलते इसे वो सांप दिखाई देता था जो कि सूरज की, की रोशनी से बचने के लिए इधर उधर कहीं छिप जाता था मैं स्टॉपिंग टू सिक्योर इट और जब मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करती तो इट रिंकल्ड एंड वास गोन तो ये कहीं ना कहीं पर क्या होता गायब हो जाता था डिसर हो जाता था सेवरल ऑफ पीप नेचर्स पीपल आई नो एंड दे नो मी आई फील फॉर दैमर ट्रांसपोर्ट और कॉर्डिनिटी आप कहती हैं कि कुछ जो प्रकृति के जो लोग हैं मैं उनको जानती हूँ एंड दे नो मी और वो मुझे जानते हैं आई फील मैं महसूस करती हूँ फ़ॉर दैमर ट्रांसपोर्ट ऑफ कर दे कि जब वो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है वो बहुत ही पोलाइट हो जाते हैं बहुत ही नम्रता पूर्वक हो जाते हैं जब वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं बट नेवर मेट हिज फेलो अटेंडिड और अलॉन विद अ टाइटर ब्रीदिंग एंड जीरो ऑफ द बोन अभी कहते हैं कि मैं ना तो कभी अपने फ्रेंड्स के साथ उससे मिली हूँ ना ही मैं उससे अकेले में मिली हूँ बट विदाउट टाइटर ब्रीदिंग लेकिन अगर वो मुझे अकेले में कहीं दिखाई भी दिया है तो मेरी जो सांसें हैं वो क्या है रुक जाती है एंड जीरो एट द बोन और मेरी जो हार्ट बीट है वो ज़ीरो होने वाली होती है इट मीन्स कि वो जो लड़की है वो सांप को देख बहुत डर जाती है सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू